फ्रेंड आज किस वीडियो के माध्यम से एनएम के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप लोग बिहार राज्य से एनएम करना चाहते हो एनएम कैसे करेंगे, अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से एनएम करना चाहते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से एनएम करना चाहते हो, तो दोनों कॉलेज अब आप लोग अच्छे कॉलेज से आराम से अपना एनएम की कोर्स कर सकती हो। एनएम के कोर्स करने के लिए अब आप लोग को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से करना है या प्राइवेट से करना है। अगर गवर्नमेंट से एनएम के कोर्स करेंगे तो यहाँ पर अब आप लोग को एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा उसका कंडक्ट कराती है, वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके बिहार के गवर्नमेंट एनएम स्कूल इंस्टीट्यूट में अब आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जो कि बिहार में लगभग सभी जिलों में एनएम कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज खुली हुई है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का फ़ी लगता है। और प्राइवेट कॉलेज का फ़ी कितना लगता है, सरकार ने इसके लिए फ़ी तय कर दिया है। ये फ़ी अब आप लोग को एनएम के लिए 35,000 रुपया कुछ लगता है प्राइवेट कॉलेजों के लिए, उसी तरह से जेएनएम के लिए अलग से लगती है। तो एनएम का कोर्स प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से कम फी दे करके करना है तो उसके लिए भी परीक्षा देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को 35,000 से 40,000 रुपया में अपना एनएम की कोर्स कर सकती हो। अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, एग्जाम नहीं देना है डायरेक्ट एडमिशन ले लेना है, तो उसमें अब आप लोग को एग्जामिनेशन फी सॉरी वो जो कोर्स का फी होता है एनएम का, उसका ज़्यादा देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अब आप लोग को खुद से डिसाइड करना है कि हमें प्राइवेट तरफ से चलना है कि या अपना डायरेक्ट अपना एग्जामिनेशन देख के करके लेना है। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहती हो तो 2022 सेशन में एग्जामिनेशन होगा अप्रैल मई में, तो अपना आप लोग अपना अप्रैल मई में एग्जामिनेशन दे करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। इसके लिए हम तैयारी कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, बिहार पैरामेडिकल जिसका नाम है, बिहार पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप लोग बेस्ट एनएम का कॉलेज ले सकते हो, बेस्ट जीएनएम का कॉलेज ले सकती हो, या अगर लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहती हो तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो। लेकिन आप एनएम के लेकर के फोकस कर रहे हैं तो एनएम के लिए भी आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का। तो उसमें हर सब्जेक्ट का पॉइंट टू पॉइंट तैयारी हम आपको यहाँ पर कराते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार पैरामेडिकल का बैच देख सकती हो। क्लास छूटेगा तो उसमें वीडियो डाल देते हैं, वो वीडियो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो। उसका हर डिटेल्स हम आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके देख सकती हो। तो पैरामेडिकल का तैयारी कर सकती हो। तो ये हो गया एनएम करने का फंडामेंटल। अब एनएम करता कौन है, कौन कर सकता है एनएम? तो एनएम करने वाले कोई भी कैंडिडेट, अगर आप लोग 12th पास आउट हो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो आप लोग एनएम का कोर्स कर सकती हो। फिर से सुन लीजिए, 12th पास आउट होना चाहिए लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लिए हो तो आप फिर एनएम का कोर्स नहीं कर सकते हो। आर्ट वाले भी कर सकते हो लेकिन आपके सिलेबस में इंग्लिश का सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, तो ही आप एनएम का कोर्स कर सकती हो। तो ये एनएम के लिए जानकारी हो गया। अब एनएम करने से क्या फ़ायदा है वो देख लीजिए। एनएम करने से आप लोग बिहार राज्य के बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना जॉब प्राप्त कर सकती हो, नौकरी कर सकती हो गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर बहुत बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, उसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पे भी अपना नर्स के पोस्ट पर अपना जॉब प्राप्त करके जॉब कर सकती हो। एनएम के लिए प्राइवेट में 15,000 से 20,000 के बीच सैलरी आप लोग को मिल जाएंगे। अगर वही गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब हो जाता है तो फिर आप लोग को 30,000 के आसपास से स्टार्टिंग ही होता है, वहीं अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है तो 15,000 से 16,000 से स्टार्टिंग होता है। तो ये हो गया एनएम के लिए जॉब क्राइटेरिया। एनएम करने के बाद आप लोग जीएनएम का कोर्स भी कर सकते हो, जिसके लिए अब आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे जगह होता है जहाँ पर एनएम के साथ साथ जीएनएम का डिग्री भी लेती है, तो जीएनएम का कोर्स भी कर सकते हो। तो ये सारा फंडामेंटल है एनएम करने का। एनएम करने के लिए आप लोग को एक और हम फायदा बता देते हैं कि घरेलू जानकारी आपको मिल जाएगा, खुद का भी अपना घरेलू कार्य कर सकती हो। तो यह है एनएम करने का फायदा। तो एनएम अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कैसे करना है, कहाँ से करना है, प्राइवेट से करना है या गवर्नमेंट से करना है, अब आप लोग को खुद डिसाइड करना होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग गवर्नमेंट में एडमिशन लें तो इस बार एग्जामिनेशन का फॉर्म मार्च या अप्रैल तक में आ जाता है, मई तक में एग्जामिनेशन हो जाता है,
2022 सेशन से अपना एडमिशन ले सकती हो। अगर प्राइवेट से करना चाहती हो तो डायरेक्ट एडमिशन जा करके अपना प्राइवेट कॉलेज में फी दे करके अपना एनएम का कोर्स कर सकती हो। तो एनएम के रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे दिए। बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोग को 7 फरवरी से बिहार पैरामेडिकल परीक्षा का एग्जामिनेशन का तैयारी कराने का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को हम मटेरियल देंगे। जो यहाँ पर अभी ज्वाइन कर लेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, रेगुलर क्लास मिलता रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मटेरियल मिलेगा। पीडीएफ ऐसा कंटेंट देंगे जो आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट नहीं दे सकता है। इस तरह से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपके पास मोबाइल होना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। तो मिलेंगे 7 फरवरी को, नया बैच लेकर के बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस बता देंगे और क्लास स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से। तो देखते रहे मेडिकल जॉब्स चैनल। कोई डॉट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां से भी अपना डॉट क्लियर कर सकती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।